नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला गया। भारत ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर 6 रनों से अपने नाम एक शानदार जीत दर्ज की। लेकिन इस मुकाबले के बाद पाकिस्तानी फैंस एक बार फिर से निराश दिखे। इसके साथ ही इस मैच से जुड़ी एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक यूट्यूबर को सिक्योरिटी गार्ड ने कराची में गोली मार दी। बता दें कि यूट्यूबर साद भारत पाकिस्तान के मैच के बाद लोगों की राय ले रहा था। पाकिस्तान में मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार साद अहमद नाम का यूट्यूबर कराची में मोबाइल मार्केट गया और कई दुकानदारों की वीडियो बाइट ली। इसी दौरान वो एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने आया और उसकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि इस गार्ड को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद उसने कथित तौर पर साद को गोली मार दी। दरअसल गार्ड उसके सामने माइक्रोफोन रखने पर भड़क गया था। चश्मदीदों के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड इसके बाद तैश में आ गया और उसने साद को अपनी बंदूक से गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने साद को मृत घोषित कर दिया। जियो टीवी पर आई एक खबर के हिसाब से साद के एक दोस्त ने कहा है कि वो परिवार के लिए एक मात्र कमाने वाला इंसान था। साद शादीशुदा था, वह 2 बच्चों का बाप भी था। कराची में मोबाइल मार्केट में इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ARY की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय अहमद गुल नामक सिक्योरिटी गार्ड ने 24 वर्षीय साद अहमद पर उस समय गोली चलाई जब वो कराची के बफर जोन में सरीना मोबाइल मॉल के पास वीडियो बना रहा था। पुलिस के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को रोका, फिर उस पर गोली चला दी। इस पर SP सेंट्रल ने कहा है कि घटना तैमूरिया थाने के इलाके में हुई। गार्ड को गिरफ्तार भी कर लिया गया। SP ने कहा है कि शुरुआती पूछताछ में गार्ड ने ये दावा किया कि साद वीडियो रिकॉर्ड करते समय उसकी ओर इशारे कर रहा था। तो दोस्तों, इस घटना पर आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस क्या हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें क्रिकेट एडिक्टर के साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।